जैसे अभी अफरोज भाई हैं, एकदम से न्यूज आ गई कि वो प्रो लीग छोड़ रहे हैं। मेरे को तो बहुत शॉकिंग लगा, पर्सनली बोलूं मैं। आपका क्या रिएक्शन था? अफरोज भैया का क्या था? अगर अफरोज भाई आप वीडियो देख रहे हो तो फिर जब नहीं कर पाया, देखो अभी तक किसी को पता नहीं है, मैं भी बैन। जैसे अभी बातें भी चल रही थी, अभी अली भी उन्होंने वीडियो बनाई थी कि बॉडी बिल्डिंग में इतना पैसा नहीं है, कोचेस जो है एथलीट्स को लूटते हैं। आईएफएबी भी प्रो छोड़ो, अगर आप ओलंपिया भी बन जाओगे और अपने आप को आप नहीं प्रमोट करोगे, नहीं आप उस तरीके से होगे, तो फिर आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री के अंदर जो बात चल रही थी, जैसे अली ने जो वीडियो बनाई थी कि जो सत्तू वाले भैया हैं, जो ये ऐसी चीजें जो शेक्स वगैरह बनाओ, इससे बॉडी बनती है, ये करो वो करो, आपको लगता है इससे बॉडी बनती है या फिर प्रॉपर सोर्स लेना चाहिए? इवन आप शो भी जीत गए तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वो चीज तो मतलब सदियों से चला आ रहा है ना, इसमें न्यू क्या है? आप जितना देखोगे, जितना अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा कोर्स करो, मैं बोलता भाई कॉन्ट्रोवर्सीज खासकर फेमस है फिटनेस इंडस्ट्री अपनी इंडिया की। तो सर आपके बारे में क्या कहना है, जो अभी रजत दलाल और राजवीर भाई के बीच में हुआ था, क्या वो स्क्रिप्टेड था? आपको लगता है इंटरव्यू नहीं है, बातचीत है यार, नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल। मैं भी ऐसा पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ भाई। सर जो है वो इंडियन हानी रैमबोर्ड है। नहीं भैया, तब वो जीत जाएंगे। तो अगर सिद्धांत भाई अगर सैमसन दौदा के कोच होते तो उनको वो रिप्ट कैसे लेकर आते? तो भाई सिद्धांत भाई जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो जो है जीतने वाले रेस, बट हम भी पूरी टक्कर देने वाले हैं। चलाए हो पहले का तुम गुरु, मुझे पता है। सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, और आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ डिफरेंट लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। कार में बातचीत करना, वो भी किसी बॉडी बिल्डर के साथ। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिद्धांत भाई के साथ, दी आईएफबीबी प्रो, उनके साथ हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करी है जो शायद हम लोग ने पहले ना बात करी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो मैंने कॉन्टेंट बनाना शुरू करा आपको पसंद आए। अगर आप चाहते हो कि और एथलीट्स आए चैनल पे और इसी टाइप के कंटेंट के अंदर मैं शूट करूं, जैसे चलती हुई कार के अंदर उनसे बातचीत करा जाए और डिफरेंट टाइप का कंटेंट मैं लेकर आऊं, तो आप लोग उन एथलीट्स का नाम कमेंट करके बताओ और इस वीडियो के अंदर फीडबैक ज़रूर देना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फीडबैक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो फिर आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये वाला कॉन्टेंट इन्जॉय कर सकते हो। इसमें सर वैसे तो फोन मैंने लगाने के लिए लिया था, फोन वगैरह लगाने के लिए, ये वैसे सर मैंने फोन वगैरह लगाने के लिए लिया था, जैसे मैग्नेट है तो आईफोन के पीछे मैग्नेट होती है तो वो चिपक जाता है। हाँ वाव, नहीं पता था मुझे। तो सर पहले आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, किस चीज का? यहाँ पे मुंबई से दिल्ली कितना आपको डिफरेंस लगता है? नहीं, वहीं पे मेरा कर्म भूमि है, वहीं पे मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट यहाँ के लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी अच्छे से हुआ और रिकवर भी हो गई है। अच्छा। मतलब मौत के मुंह से निकल के आई हैं एक तरीके से, और अभी मेरे ख्याल से एक से डेढ़ हफ्ते में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था? मतलब हुआ ये था, कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो लोग प्रयागराज से बनारस के लिए जा रहे थे, बनारस के फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हाईवे पे उन लोग जैसे ऊपर चढ़ रहे थे उसी टाइम पे एक वो रोड रोलर जैसा रहता है ना गवर्नमेंट वाला ही, वो जो गिट्टी को और आपके क्या बोलते हैं जो अलकतरा होता है, हाँ हाँ हाँ। काला वाला जो रहता है तो डैमर, उसको मिक्स करने वाला बहुत बड़ा सा वो जा रहा था, तो उसका जो टो करके लेके जा रहा था वो टो टूट गया और ये लोग एक सामने से जा रहे थे, छोटा हाथी था उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो उसको ओवरटेक करके जैसे जैसे टर्न लेके आगे जाने वाले थे तो सामने ही वो रिवर्स आ गया और वो चढ़ गई गाड़ी के ऊपर, टक्कर हुई कार से। हाँ, और फादर इन लॉ इमिडिएटली वहीं पे मतलब दम तोड़ दिए और मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गई थी, तो चेस्ट उनका जो है ये बोर्ड से जाके लड़ा तो पूरा रिब केस टूट गया और फिर लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, दोनों पैर टूट गए, हाथ टूट गया। तो गाइज ये पहली बार हो रहा है कि मैं एक बातचीत कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बातचीत है, कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि सिद्धांत भाई बहुत बार चैनल पर आ चुके हैं, हम सिर्फ बातचीत करेंगे नॉर्मल जो इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, कुछ नॉलेजेबल बात करेंगे, आपको भी नॉलेज मिले, हमें भी नॉलेज मिले, मैं भी कुछ सीखूं। सर सिखाते हैं, सीखते नहीं हैं। नहीं भैया, जिस दिन सीखना बंद कर दूंगा उस दिन कहानी खत्म। तो सर
आपके साथ प्रॉब्लम्स काफी हुई हैं लाइफ में, सबके साथ होती हैं प्रॉब्लम्स। हाँ, और आदमी को वही है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसको बंद ही कर देते हैं, ये तो भाई गिर जाएगा ये वाली चीज तो। तो सर आप पहले बताओ, आप आपकी हेल्थ कैसी है? आप दो साल से नहीं कंप्लीट कर रहे हो। हेल्थ में कोई इशू नहीं, दो साल नहीं अभी तो डेढ़ साल हुआ है। मेरा क्या था ना कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, तो क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन से थोड़ा ज्यादा था। अच्छा। जब मैंने शो खत्म किया उस टाइम पे सही था, बट फिर शो के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी प्रो कार्ड जीत लिया है, थोड़ा सा कुछ अभी तक मैंने बताया नहीं था, मैं सोचा चलो थोड़ा सा कुछ फैमिली प्लानिंग करते हैं। PCT में कुछ ऊपर नीचे हुआ जिसकी वजह से मतलब मेरे किडनी पे ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन जो है वो बॉर्डर लाइन से काफ़ी ऊपर हो गया था। नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी सजेस्ट किया कि अभी थोड़ा सा चीज़ें रुकते हैं और खाने पीने पे भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो अभी मैं फिर से ये रिपोर्ट निकालूंगा, मैं अपना एवरी मंथ मैं निकालता हूँ, तो अभी मैं 1 अप्रैल को फिर से निकालूंगा और निकालने के बाद अगर एकदम अच्छा आया, ओके आया, एकदम मतलब अभी भी ओके है, अभी भी जितना मेरा है क्रिएटिनिन उतना लोगों का नॉर्मली रहता है, बट मुझे अब ये है कि मुझे उसको पूरा का पूरा एकदम अंडर कंट्रोल लाके फिर मैं उसके बाद फिर करने जाऊंगा, तैयारी करूंगा। तो लोग जानना चाहते हैं सर आप कब तक आप रेडी हो जाओगे, इतना एस्टिमेट टाइम क्या होगा? मेरे ख्याल से ये ईयर एंड में मैं फिर से स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, इस ईयर एंड में। हाँ हाँ, 31 दिसंबर से पहले। हाँ वो आप बोल सकते हो। ठीक है ठीक है। तो प्रो शो में मैं बहुत तड़प रहा हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से यही गोल रहा है कि प्रो कार्ड नहीं, प्रो फिजिक चाहिए। और जब प्रो फिजिक रहेगी तो फिर मैं प्रो कार्ड भी जीतूंगा, प्रो शो भी जीतूंगा। तो मैं प्रो कार्ड के लिए भी खेला और जीता, फिर प्रो शो में भी अपना जो बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर सकता था वो मैंने परफॉर्म किया। इंटरव्यू नहीं है, बातचीत है यार, नॉर्मल हम लोग नॉर्मल। मैं भी ऐसा पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ भाई। सर जो है वो इंडियन हनी रैम्बोर्ड है। नहीं भैया देखो, मैं इतने सारे क्लाइंट्स को सर जो है ट्रेनिंग देते हैं, ना जाने कितने होंगे सर अप्रोक्सीमेटली आपके गाइडेंस के अंदर इस टाइम पे टीम अनस्टॉपेबल। अभी जो मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है कुछ 237 लोग हैं अराउंड। अच्छा। और जिसमें से मोस्टली सब कॉम्पीट करने वाले ही हैं सर। मैं जो नंबर्स है बिल्कुल कम करके बता रहे हैं, असली जो नंबर्स है वो सबको मालूम है। कॉम्पीट करने वाले हैं जिसके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको हमेशा जिनसे एक कॉम्पीट करने वाले प्रोफेशनल एथलीट होते हैं और एक होता है कि आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हो, वो करा रहे हो, वो अलग चीज हो गया। तो जो एथलीट रहते हैं उनसे हमेशा मोबाइल पे कनेक्टेड रहना पड़ता है, उनको कुछ हो गया तो उनको कुछ बताना, कुछ वो करना, एक तरीके से उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। और भैया मैं कोई हनी रैम्बोर्ड और ये वो नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत मैं बताऊँ ना हनी रैम्बोर्ड एक दो परसेंट कमेंट कर दो इंडियन हनी रैम्बोर्ड 1-2% मुझे आता है, उसी में मैं अपना कर रहा हूँ और अभी भी मैं सीखता रहता हूँ, अभी भी मैं बहुत सारे लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। अभी श्वेता मैम है, फूड साइंटिस्ट हैं, उनके अंडर में मैं अभी सीख रहा हूँ न्यूट्रिशन के बारे में और कितना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ। तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मोस्टली क्या होता है ना कि आज के डेट में हर किसी को हर कुछ पता है। गूगल है, ये है, वो है, सबको सब आइडिया रहता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हाँ जो हम लोग गलती करके ही सीखते हैं। जैसे आप जब मेरा 2021 वाला शो था, जब राजा भाई थे बगल में, उनका बॉडी वेट कुछ 69 kg था, उस टाइम पे मैं 94 kg का था और मैं पूरा रिप्ड था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मेरी कंडीशन थी। बट बैक स्टेज मैं क्या था कि मतलब मेरे साथ तो मेरे कोच थे नहीं, फिर मुझे लगने लगा मेरी बॉडी फ्लैट है और मैं बहुत सारा चीज़ खा लिया, पैनकेक तो ये तो वो, तो उस टाइम पे मेरा स्टेज पे एब्स को फ्लेक्स करने की जगह मेरा पेट फूलने लगा था, क्योंकि जो भी फूड आप खाओगे वो आपके स्टमक में ही रहेगा, डाइजेस्ट ब्लोटिंग होना शुरू हो गई। हाँ हाँ, मतलब वो फूड एक तरीके से मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। ओके ओके। तो उस गलती की वजह से मैं जब सीखा तो फिर अब क्या है कि मेरे जितने भी एथलीट रहते हैं उनको उसी तरीके से कराता हूँ, किसी को कुछ खिलाना कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा साइंटिफिकली काम करना कि नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता कि उनको ये खिलाओ वो पिलाओ। अभी मेरे जितने एथलीट थे, जितने भी लोग थे मेरे टीम के सारे श्रेडेड थे, चाहे आप मनोज भाई का नाम ले लीजिए, चाहे अफरोज भाई का नाम ले लीजिए, चाहे बिट्टू का नाम ले लीजिए, जितने भी एथलीट थे जिसका जो प्लेस में भी आया जो नहीं भी आया, सबका आप देखोगे मेरे टीम के लोगों का एक खासियत कि उनका पोजिंग सबसे बेस्ट होगा,
उनका जो है कंडीशनिंग कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि ये सब गलती मैंने इतनी की है तो वही चीज उनको कराता हूँ कि वो गलत ना करे और अच्छे से अपना जो उनका गलती से सीखते हैं, हाँ, जो पोटेंशियल है उसको बेस्ट टू बेस्ट दे पाए। जब स्टेज पे एथलीट बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, बहुत बार बार रिट्रैक्ट करते हैं, पोज बनाते हैं, फ्लेक्स करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें जजेस जज नहीं कर पाता। जब मैं जजिंग करने के लिए बैठा तो मेरा सबसे पहले यही होता था कि अरे भाई पोज तो होल्ड करो, तब ना मैं जज करूंगा, तुम कितना भी स्टाइल मारोगे, तुम कितना भी वो करोगे, तो उससे मैं जज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार आज मैं यहाँ जजिंग पे बैठ के जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मैं भी तो स्टेज पे जाके यही करता था बहुत मूवमेंट। तो फिर इस बार जब आप लास्ट टाइम मुझे स्टेज पे देखोगे तो पूरा का पूरा पोज जस्ट मैं आके खड़ा हो जाता था, होल्ड करता था एकदम, जो भी मेरा मूवमेंट होता था वो फेस के साथ होता था, स्माइल करता था बस और कुछ नहीं। स्टेज पे भी सर का स्टाइल बढ़िया रहता है। थैंक यू। और भाई आपका रियल लाइफ में भी जो है स्टाइल बढ़िया रहता है। थैंक यू यार। तो अभी जैसे ना बहुत सारी बातें चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, अभी काफी चीजें हो रही थी अभी इंडस्ट्री के अंदर, कॉन्ट्रोवर्सीज, खासकर फेमस है फिटनेस इंडस्ट्री अपनी इंडिया की, तो सर आपके बारे में क्या कहना है जो अभी रजत दलाल और राजवीर भाई के बीच में हुआ था, क्या वो स्क्रिप्टेड था आपको लगता है? नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं था, रजत को भी मैं जानता हूँ, राजवीर भैया से भी मैं एक दो बार मिला हूँ, तो ऐसा कुछ ये नहीं था, कोई इतना थोड़ी ना वो हो जाएगा कि मतलब फेमस होने के लिए वो होने के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है। बट ये होता है कि गुस्से में आदमी बहुत ज्यादा बहुत चीजें बोल देता है जिसके लिए उसको बाद में रिग्रेट होता है। फिर हर इंसान को पीस पसंद होता है, चाहे वो फेमस हो या फेमस होना चाहता हो या एक लेवल में बैठा हो, हर किसी को वैसे ही रहता है पीसफुल जीना। बट या कभी कभी ऐसा हो जाता है गुस्से में आदमी अपना आपा खो देता है। और तो आपको लगता है ये चीजें सही है इंडस्ट्री के लिए, जो यूथ को इतनी सारी जो नॉलेज मिल रही है? नहीं, ये सही नहीं है। इवन उनसे भी आप पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि सही नहीं है और ये चीजें बस हो गई। आप खुद चालू करके सुनोगे ना, आपको खुद सुनने में मजा आएगा। बातें सर आपसे सीखने को मिलती है, 3-4-10 घंटे का बन जाएगा, बात करते रहोगे बात ही नहीं खत्म। इसके दो पार्ट तो बन जाएंगे। कंट्रोवर्सी वाली वही चीज है, ये सब ठीक है। तो सर आप जैसे पीसफुल कहते हो कि पीसफुल लाइफ रहनी चाहिए, आपकी डेफिनेशन क्या है पीसफुल लाइफ की? ये बहुत ही अलग क्वेश्चन मैंने पूछा फिटनेस इंडस्ट्री से नहीं है। डेफिनेशन यही है कि आपको जो काम पसंद है वो काम आप अपना चुपचाप से कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। जैसे अभी आप हम लोग बातें कर रहे हैं और इस बात के बीच में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आता रहेगा तो वो पीसफुली हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका जिंदगी का मकसद है या जो काम करना आपको पसंद है, वो चीज आप अगर कर रहे हो, उसमें आपको बीच बीच में डिस्टरबेंस आएगा, आप किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप इरिटेट हो गए, कोई आदमी आपका टाइम खींचेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बाहर इधर से गाड़ी लाके ठोक देगा, वो करेगा, वही चीज। तो गाइस आप सुन सकते हो जो सर ने बात बोली, जो आपने बात बोली है भाई, वो सच्ची में ना यूथ के लिए बहुत ही नॉलेजेबल बातें हैं। और यहाँ पे खासकर इंडिया के अंदर जैसे लोग ड्राइव करते हैं ना, मेरे को खुद डर लगता है, जैसे ये लोग अभी जैसे थार गई थी यहाँ से, क्रेटा वाले जो जाते हैं ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं इन्हीं की रोड हो। और भाई हम भी जो है एकदम संभल के चला रहे हैं, साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इंटरव्यू, मतलब बातचीत हम लोग रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं। तो भाई तो आपको लगता है बिल्कुल भी जो है ये स्क्रिप्टेड नहीं था? नहीं, उन लोग का तो नहीं था, क्योंकि उन लोग को तो मैं जानता हूँ, तो उन लोग को कोई भी अपना मान सम्मान कोई क्यों मतलब गिराएगा, हटाएगा, वो करेगा। और सोशल मीडिया पे सिर्फ ये नहीं है ना कि दूसरे लोग देख रहे हैं, आपके घर वाले भी देखते हैं। अभी मेरे घर वाले अगर मैं कुछ गलत करूंगा, कुछ वो करूंगा, तो वो देखेंगे, वो परेशान होंगे। कितना भी मैं स्ट्रांग रहूं, कितना बड़ा भी मैं मतलब बदमाश रहूं, कुछ रहूं, फिर भी हमारे घर वाले अपने माँ के लिए तो मैं उनका बेटा ही रहूंगा ना। वो परेशान रहेंगे कि अरे मेरे बेटे को कोई धमकी दे रहा है या मेरा बेटा धमकी दे रहा है। उनको मालूम है कि यार अपने साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ, तो वो लोग परेशान होंगे। तो कभी भी कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा कि अपने घर वालों को परेशान करे। तो नहीं यार, स्क्रिप्टेड कहाँ से रहेगा? क्या पता नहीं, मुझे क्यों अंदर से लगता है वो चीजें स्क्रिप्टेड थोड़ी लग रही थी। जैसे पर्सन टू पर्सन है, आपको जैसे हाँ, वैसा लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा ओपिनियन नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मैं रजत को भी जानता हूँ, राजवीर भैया से भी मैं मिला हूँ, तो वो समझ में आता है कि वैसा नहीं है। अच्छा, सब ठीक ही है। बाकी आप सुनाइए, आपकी लाइफ में अभी क्या ऐसा चल रहा है?
मेरी लाइफ में बस अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हुई है, उसको निभा रहा हूँ। जितने सारे लोग हैं खेल रहे हैं अभी दिल्ली में, बहुत सारे टीम के लोग खेलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, अभी आप ना जैसे एथलीट थे पहले, अभी आप थोड़ा कोचिंग साइड पे आपका थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब कोचिंग साइड पे आपका नेक्स्ट गो होने वाला है, अब एथलीट पे आप थोड़ा कम दिखोगे स्टेज पर, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रही है, आप बाकी क्लियर करो इस बात को। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेज का नशा जिसको एक बार लगता है ना, तो फिर वो, क्योंकि मैं ये, चाहे आप मेरा काम बोल लीजिए, जो मैं S3 का हो गया या यूनिकोर का हो गया या मेरा कोचिंग बिजनेस हो गया, ये सब मैं सब कर ही रहा हूँ ताकि मैं कॉम्पीट कर पाऊँ, इनसे जो पैसे मैं कमा रहा हूँ ताकि ये कि भाई मुझे, मैं, मेरा जो हॉबी है, जो मैंने, जो मेरा पैशन है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए मुझे सब कुछ करना है, तो उसके लिए जस्ट मैं पैसे बटोर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं कॉम्पीट कर पाऊँ। तो अगर नहीं कॉम्पीट कर पाऊंगा तो मैं तो यार बहुत रोऊंगा, बहुत रिग्रेट करूंगा, बहुत तकलीफ में रहूंगा, दुनिया जो भी बोले, बट मैं अपने अंदर ही अंदर मैं कहीं ना कहीं मतलब टूट जाऊंगा कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है यार, कि मैंने जो सपने देखे थे। तो भाई आप जैसे इतनी प्रेप कर चुके हो बॉडी बिल्डिंग की, आपको जैसा अभी बातें भी चल रही थी, अभी अली भी उन्होंने वीडियो बनाई थी कि बॉडी बिल्डिंग में इतना पैसा नहीं है, कोचेस जो है एथलीट्स को लूटते हैं, ये है वो है, बहुत ही फेकनेस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, जैसे पैसा नहीं है, एथलीट को आगे बढ़ने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? आप जैसे आप बोलेंगे पैसा नहीं है, तो अभी तो 2024 चल रहा है, मैं 2018 में ही अविरल भाई को इंटरव्यू दिया था, आप जाके देखोगे, अविरल भाई मुंबई आए थे, तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उनको, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि ये कोई न्यू चीज़ तो है नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में पैसे नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है, ये हमेशा से चलते आया है, मतलब ये स्पोर्ट्स ऐसे ही है कि आपको यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पे डालना है और आपको अपने आप से खुद से करना है, क्योंकि ये आपका अपना पैशन है, मतलब ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे ये चीज़ करना पसंद है, और मुझे मालूम है कि ये चीज़ मैं जब करूँगा तो फिर इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो सब कुछ मुझे पहले से ही क्लियर है। और सिर्फ अगर बंदा अकेला बॉडी बिल्डिंग पर ही सिर्फ निर्भर कर रहा है तो उससे नहीं हो पाएगा, नहीं उससे नहीं हो पाएगा, वो कहा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहाँ से होगा, सेंस भी नहीं बनती, नहीं नहीं कोई भी नहीं, अभी चाहे आप ओलंपियन ले लो, मिस्टर ओलंपिया ले लो, कोई भी ले लो, वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके आपका घर नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको खुद से पैसे, मेरा सिंपल सा मानना ये है कि यार जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी कभी स्टार्ट किया था, तो आप जाके मेरी जर्नी देख सकते हो, मैंने कैसे क्या किया, मैंने पहले अपने आप को एजुकेट किया कि भाई अभी मुझे अगर इसी फील्ड में ग्रो होना है तो सबसे पहले मेरे पास थोड़ा सा कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना, हाँ मतलब सोर्स ऑफ इनकम तभी होगा जब मुझे कुछ नॉलेज होगा, तो उसके लिए मैंने अपने आप को एजुकेट किया, मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद फिर लोगों को ट्रेन करना, मैंने जो है कोचिंग देना वो सब करना चालू किया, मतलब कॉम्पीट करने के पहले से ही मैं कोचिंग देते आ रहा हूँ। बट सिड भाई, अगर कोई एथलीट, कोई नया बंदा जैसे 18 साल का बच्चा हो गया, वो अगर इस इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहता है, उसको क्या एडवाइस होगी? तो मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास आया कोई 18 साल का लड़का, ठीक है, और मेरा पहले डायरेक्ट बात नहीं होता, मेरे टीम से वो कांटेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, पेमेंट वेमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली उनको वीडियो कॉल करता हूँ, और जब मुझे दिखता है कि यंग बच्चा है और फिर उसने पे किए, मेरे फीस पे किए, तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने पे किया, तो बोला कि घर से लिया, तो मैं बोला नहीं, एक्सेप्ट हो जाता है क्या वो तो मुझे पता नहीं ना ब्लैक है कि क्या है, मैं तो अपना, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आता है, मैं तो अकाउंट में ही मंगाता हूँ, तो मुझे तो उसके टैक्स पे करने होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मतलब कहाँ से आपने ये पैसे लेके आया, तो बताते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ने दिए, तो मैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, आप पैसे का टेंशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला पक्का, तो हाँ ठीक है, तो फिर आगे का जो भी है सब चीजें करते हैं, फिर अगर जब मुझे पता चलता है कि कोई ऐसा नॉर्मल लड़का है, ऐसे ऐसे पैसे जोड़ के वो करके, तो उसको बताता हूँ कि भैया ये जो पैसे आपने मुझे दिए है ना, इसको कहीं आप किसी एकेडमी में दे दो, इससे आप पढ़ाई करो, अपने आप को अपने आप को एजुकेट करो, पैसे बनाना चालू करो, क्योंकि अभी ये जो आपने फी मुझे पे किया है ना, ये तो अभी 3 महीने में 6 महीने में साल भर में खत्म हो जाएगा, और मेरा फी पे करना एक छोटा सा पार्ट है, बाकी बॉडी बिल्डिंग इतना एक्सपेंसिव है, आपका खाना नेचुरली एथलीट है, मान लो नेचुरल एथलीट है, उसको भी फूड खाने के लिए पैसे लगेंगे, तो मैं बोला कि अगर आप वो सब भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ स्टेज पे जाके, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, इवन आप शो भी जीत गए तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ तो मतलब सदियों से चला आ रहा है ना, इसमें न्यू क्या है,
कि आप उसके पीछे बात करवा रहे हैं, ये आपको खुद से बनाना है, खुद से करना है आपका ये अपना। आपने सिद्धांत भाई जैसे पैसे बनाने की बात करी, हाँ। तो मैं आपसे पूछू पैसा बनाया कैसे जाता है इंडस्ट्री के अंदर, कुछ सोर्सेज आप बताओ कि जैसे एक बंदा कैसे पैसे कमाएगा इंडस्ट्री। सिंपल सा वही बोला ना, पहले अपने आप को एजुकेट कर लो। एजुकेट, जब आप एजुकेट कर लोगे, आज के डेट में देखो जिसको नॉलेज है, जो एजुकेटेड है, वो नॉर्मल सा रील भी बनाना चालू करता है, वहां से वो थोड़ा सा आ जाता है लाइमलाइट में। जितने भी लड़के आज के डेट में, अभी एक महीने पहले जो लोग नहीं जानते थे अभी जानने लगे, ऐसा नहीं कोई उनका वीडियो वायरल हो गया इसकी वजह से लोग जानने लगे, उसके वजह से जानने के बाद भी फिर वो दे क्या रहा है, प्रोवाइड क्या कर रहा है, वैल्यू क्या, अगर हाँ अगर वो सच में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उसको रिटर्न मिलता है, तो वो अच्छा खासा इनकम करने लगता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने आप को एजुकेट करो, और उसके बाद फिर आप वो एजुकेशन से आप अपना रिटर्न बनाना चालू करो। आप जितना देखोगे, जितना अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा कोर्स करो, मैं बोलता भाई हर जगह से जहां से भी सीखने मिल रहा है, अगर 10,000, 20,000, 25,000 दे के आपको सीखने को मिल रहा है, हर जगह से करो। अभी गुरदास मान सर है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके हिसाब से? नहीं, वही तो मैं अभी बता रहा हूँ, गुरदास मान सर है, वो अपना कराते हैं, उनके पास उनका जो है 2-3 महीने का जो है उनके पास से सीख लो। हैरी सर है, उनके पास से सीख लो। IFSC एकेडमी है, K11 एकेडमी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तुमको सीखने को मिलेगा ना, फिर तुम सीख जाओ तो फिर वहां से तुम भी सिखाओ। अभी अपने वो भी है जो डॉक्टर फ्लैक्स जो शो कराते हैं, गुरनीत सर, उनका भी एकेडमी चलता है, बहुत सारे लोग है, हर जगह से सीखो, क्या बुराई है। बाइक वाला देखो कहां से आ गया, इंडिया में तो यार कहीं से कोई भी निकल जाता है, खासकर बाइक वाले कहीं से भी निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम का समझ नहीं आता क्या दिक्कत आ रही है, नॉर्मल सॉन्ग का जो है ना वो वीडियो रिमूव कर देते हैं। ओके, मेरे भी अभी 2-3 रील्स जो है वो भी रिमूव कर दिया, वॉइस उसका चला जाता है, हो सकता है कॉपीराइट का कुछ इशू हो। कॉपीराइट तो वो तो उसी के लिए अवेलेबल ही है ना, यूज करने के लिए। कितने सॉन्ग तो इंस्टा पे आके फेमस होते हैं। ये किसका सूटकेस पड़ा हुआ है यहाँ पे, सड़क पे सूटकेस गाइस। तो अभी भाई आपको मौसम कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, दिल्ली का बढ़िया है, अच्छा है अभी तो, काफी अच्छा है। अच्छा, मस्ताना मौसम, मस्ताना। और सर से बातें हो रही है, वो और भी बढ़िया बात। इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलूं मैं कि IFBB प्रोज जो है ना, वो जैसे अफरोज भाई हो गए, अपने अभिलाष भाई हो गए, वो प्रो अभिलाष मनोहर, अच्छा अच्छा हाँ हाँ, वो क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया कि वो IFBB के अंदर कम्पीट नहीं करते हैं, बाहर चले जाते, दूसरी फेडरेशन चले गए? अभिलाष नाम है, अभिजीत नाम है, अभिलाष उनका नाम है। अच्छा, तो उनका जहां तक मुझे लगा ना, उनका तो ये है कि मतलब को ये लगा होगा कि शो खेल के जीत के मतलब बहुत पैसा मिलेगा, बहुत वो मिलेगा, तो वो चीज वैसा नहीं हुआ होगा। तो फिर वो मेन उनका एम था, उनका गोल था कि पैसे बनाना थ्रू बॉडी बिल्डिंग। तो उसके प्रो लीग में पैसा नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, प्रो लीग में कहां से कैसे मिलेगा, तो सदियों से रहा है ना, किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो बॉडी बिल्डिंग से पैसे कहां कभी नहीं मिलते हैं, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि मिलेगा, तो वो तो लोग अपने शौक के लिए करते हैं ना। मैं भी अभी कर रहा हूं, मुझे पसंद है, तो पहले मैं पैसे बना लेता हूं और उसके बाद फिर खेलता हूं। नहीं, बट लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक बार प्रो लीग पर आ गए फिर तो चांदी चांदी है। नहीं, ना चांदी है ना सोना है। आप क्या है कि आपका नाम होता है, आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको एक क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है, एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, और उसके बाद एक आपको एक उपाधि मिलती है IFBB प्रो की। तो आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने वो हो कि आप उस उपाधि को कैसे यूटिलाइज कर सको, वो आपके ऊपर है। उसमें आपको कुछ अलग से कोई कुछ करके देने वाला नहीं है। अब IFBB और लोग भी, IFBB प्रो और लोग भी हैं, मैं भी हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि भाई ये चीज़ है, इससे कैसे मैं अपना अर्निंग कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। तो बस वही बेसिक पे आ जाता है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना क्या कर सकते हो, कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकते हो कुछ भी। IFBB प्रो छोड़ो, अगर आप ओलंपिया भी बन जाओगे और अपने आप को आप नहीं प्रमोट करोगे, नहीं आप उस तरीके से होगे, तो फिर आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। तो वो सब तो आपके ऊपर रहता है यार, आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, इवन चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, अगर आप जो है मतलब आपका स्किल अच्छा है, आप समझ रहे हो कैसे आपको पैसे कमाने जरूरी है, किस टाइम पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किस टाइम पे क्या नहीं करना है, कैसे रिटर्न आना है, वो सब आपका अपना पर्सनल क्या कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी प्लेटफॉर्म आपका कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों की जो ये गलत फहमी है कि IFBB प्रो बनके हम लोग बहुत पैसा कमा लेंगे, ये
काफी हद तक सच नहीं है, बट आपको अपनी स्किल्स और बेटर करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो आप चाहे आईएफबीबी प्रो बनो, चाहे आप मिस्टर रेसलिंग में कुछ कर लो, या आप फुटबॉल चैंपियन बन जाओ, या आप कुछ भी कर लो। अभी क्रिकेट खेलने वाले भी मेरे ख्याल से लाखों लोग होंगे, बट 11 लोग को, 12 लोग को, 20 लोग को, 100 लोग को, 200 लोग को लोग जानते हैं। वो 200 लोग पैसे कमा रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कमा रहे। इसका मतलब ये थोड़ी ना क्रिकेट खराब है। सारे ही स्पोर्ट्स में जो टॉप लेवल पे रहता है वो इनकम करता है, किसी भी इंडस्ट्री में कोई टॉप लेवल पे रहता है वो इनकम करता है। जो टॉप पे नहीं है तो उसको ये चीज देखना है कि कैसे उस पे टॉप पे जाना है, और क्या सच में वो स्पोर्ट्स या इंडस्ट्री उसको पसंद है। अगर वो पसंद है तो उसमें काम करता रहता है, पैशन है और स्किल्स भी हो बहुत। और वैसे तो मुझे लगता है किसी भी जॉब के लिए स्किल्स बहुत जरूरी होती है। हाँ, और किसी भी जॉब में आप देखोगे किसी भी कंपनी में कुछ बंदे हैं उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते जाता है, और कुछ को नहीं मिलता है। जिसको मिलता है तो फिर वो बोलते हैं कि अरे ये मैनेजमेंट चीटिंग हुआ है हमारे, मैनेजमेंट की चाट रहा है। बट मैनेजमेंट को क्या दिखता है कि भाई किसको रखने से किसके साथ ज्यादा प्रॉफिट है, तो उसके साथ ही लोग कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना प्रॉफिट देखना है। अभी सेम उसी में यूट्यूब का भी आ जाता है। हाँ, इधर अंदर ले लिए। अभी YouTube में बहुत सारे एथलीट कंप्लेन करते हैं कि यार मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लेता, मेरा कोई वीडियो नहीं बनाता, मेरा कोई चैनल वाला वो नहीं करता, सब बिके हैं, सब हरामी, सब ये ऐसा। तो YouTube बोलते हैं कमेंट आप देखो तो YouTube हाँ। वाले को भी क्या रहता है, वो यही देखते हैं ना कि भाई किसके साथ वर्क करके मुझे कितना फ्रूटफुल इंटरव्यू मिलेगा, या कितना वो लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो वो ताकि उनका भी एफर्ट ना खराब हो, उनका भी मेहनत ना खराब हो। तो लोग वही, हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिटेबल बनना है। अगर मैं ऐसी बात नहीं सिद्धांत भैया, आप इतने स्वीट हो इसलिए आप चैनल पे बार बार आते हो। नहीं भैया, मैं जिस लेवल पे आ गया हूँ तो उस लेवल पे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं कुछ अगर बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग उसे एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं। जैसे सर हम लोग जिम जाते हैं, अपनी मसल तोड़ते हैं, तो मसल ब्रेक डाउन होती है, उसको फिर रिपेयर करते हैं, तो वो और स्ट्रांग बनती है, फिर और उठाते हैं, फिर और उसको चैलेंज देते हैं। तो बेसिकली हमको लाइफ के अंदर भी यही करना है, और ये चीज को एक्सेप्ट करना है। जितना आपको चैलेंजेस आएगा और जितने आप स्ट्रांग होते जाओगे, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिर आपको और बड़ा टास्क दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज और बड़ी फिर हाँ, और पावर भी आपके पास और आता है। स्पाइडरमैन भैया बोले थे ना क्या बोले थे, फिर से बता दिए, विद बिगर पावर कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही चीज है, और जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हिंदी वाला देखा था ना ये भाई पता ही बात बोल दिया आप जो भाई जो है वो ऐसे, वो आप जॉन विक के भी फैन हो आप, बहुत बड़ा। इन्होंने आपने मेरे को बोला था कि आप देखो, मैंने अभी तक मैंने ये वो फर्स्ट पार्ट देख लिया मैंने, अब सारा देखना। फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, उसके वो डॉग को मार देते हैं और फिर जो वो बदला लेता है, उसका फादर कहता है कि तुमने किससे पंगा ले लिया, अब वो तुम्हारी बैंड बजाएगा, बोलता है ना कि इट्स नॉट व्हाट यू डिड इट्स सन, तुमने क्या किया उसमें बुराई नहीं है, तुमने किसके साथ किया वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। और वो एक बंदा जो है तो वो बोलता है, वो बोलता है कि कौन है और कौन सा नॉर्मल सा इंसान, तो वो बोलता है नॉर्मल इंसान नहीं, वो जॉन विक है। मेरे को ये बताओ कि जैसे अभी अफरोज भाई हैं, एकदम से न्यूज आ गई कि वो प्रो लीग छोड़ रहे हैं, मेरे को तो बहुत शॉकिंग लगा पर्सनली बोलूं मैं, आपका क्या रिएक्शन था? वो जब इंडिया वाला शो खेले तो अच्छा आगे पीछे कर एम्बुलेंस तो अफरोज भैया का क्या था कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, जैसे अपने बॉडी में भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती, हम लोग टॉर्चर करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो वो गिव अप कर देता है। तो वैसे ही अफरोज भाई के साथ भी हुआ, जैसे अब वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को लोग एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं, और बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो जैसे अभी मुझे जब बताया गया कि भाई आप प्रो बनने के बाद यहाँ, या वो तो मुझे पता ही था यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं कर सकते, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते, हाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाते, तो वो चीज मैं फॉलो करता था। एकदम से खबर आई मैं तो शॉक हो गया। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, तो मैं वो चीज फॉलो करता था, और जब नहीं कर पाया, देखो अभी तक किसी को पता नहीं है मैं भी बैन बट मैं वो सब बता के बोल के वो करके कैसे बैन हो गए, मैं भी शो में गया था। अच्छा, तो उसकी वजह से, तो मुझे उसका अगर मुझसे मांगते एक्सप्लेनेशन तो मैं देता, मैं एज अ कोच गया था वहाँ पे, मतलब और मेरा ये काम है, इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरा सब कुछ होता है। तो मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पीट भी करूँगा तो उसको कमाने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं वही मेरा जरिया है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे गया था, तो उसकी वजह से मुझे
किया गया, तो फिर मैं बोला कोई बात नहीं, कोई एग्री करता हूँ मैंने गलती की है और वो चीज ठीक है। और जब तो मैं कितने टाइम से आपका बैन लग गया है? काफी टाइम से है, बट जब मैं तैयारी करूंगा, सब कुछ करूंगा, फिर मैं आगे सर लोग से बात भी करूंगा कि भैया क्या है, कैसे नहीं हो सकता। मैं भी चाहता तो मैं भी बोलता कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, बट फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं बोला कि नहीं ठीक है, जब सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कोई तो भाई स्पेशल अफरोज भाई से आपने बात नहीं करी इस बारे में कि मेरे से बात कर लेते पहले? नहीं, तो कुछ वही तो मैं बता रहा हूँ। तो जब वो रिस्ट्रिक्शन लगता तो लोगों को बुरा लगता, तो अफरोज भाई को वो चीज सही नहीं लगी। कई बार उनके साथ वो सबसे फर्स्ट पर्सन वही थे जिनको बैन किया गया था, तो उनको वो चीज़ बहुत शॉकिंग लगी थी। कहीं ना कहीं उनका सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भी वही था, जब इवेंट में जाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, तो फिर उनके साथ वो हुआ तो वो चीज़ उनको बुरा लगा। फिर उसके बाद फिर जब मुंबई वाला शो उन्होंने खेला तो बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी, बहुत अच्छा बॉडी था, बहुत अच्छा सब कुछ था, बट उनको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि उस तरीके से उनको ऊपर का प्लेसिंग मिलेगा, बट प्लेसिंग नहीं मिला तो वो नाखुश हुए। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है, मैं भी जब कॉम्पीट करता हूँ तो मुझे अगर वैसा प्लेस नहीं मिलता है तो मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या कमी रह गया। तो मुझे जहाँ तक लगा कि जजेस जो प्रेफरेंस था जजेस का, उनको चाहिए थे मतलब वाइड फ्रेम वाले लड़के, जैसे वरदान भाई हो गए, आनिक भाई हो गए, अगर वहाँ पे जीजो जॉन होता तो जीजू को भी प्लेस मिलता। तो अभी के समय में वो वैसा स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं। तो अफरोज भाई का क्या है कि भुवन भाई हो गए, और अफरोज भाई का क्या है कि हाइट कम है और बहुत नैरो स्ट्रक्चर है, तो वो चीज अभी के समय में मुझे जहां तक एक्सपीरियंस लगा जजेस को वो चीज नहीं चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने ऊपर नहीं लिया, ना उनके कंडीशनिंग को ना उनके सिमेट्री को प्रायोरिटी नहीं दिया। उनको उस समय वो फ्रेम चाहिए था, उस फ्रेम को उन्होंने प्रायोरिटी दिया। तो मैंने अफरोज भाई को बताया कि देखो इसी स्पेस पे अपने को नहीं मिला, बट मेरे अलावा बताने के अलावा और भी लोग हैं, मेरे पास प्रूफ है। तो फिर बहुत डिसहार्टन हुए वो। तो वहां से भी होने के बाद फिर उसके बाद फिर अभी जब और लोगों से, उनका हेमंत सर से और साहिल सर से जो भी उनका बातचीत हुआ, तो उन लोगों ने भी कुछ बताया, कुछ शायद वो देख के आए वहाँ से वो करके, तो ये सब चीज़, ये सारा घाव होते 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 तब उन्होंने डिसीजन लिया। तुमको लगा कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी वो कर लूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं होंगी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। फिर मैं भी उनको बोला कि थोड़ा रुको देखो, मगर फिर मैं भी नहीं समझा पाया, मैं भी उसमें असफल हुआ। तो अब वो जो कर रहे हैं, मैं वही बोलता हूँ कि भाई देखो जितना सही से कर सकते हो ठीक है। मैं भी क्या है, मैं भी उनका फ्रेंड हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका कोच हूँ, मैं उनका डैडी थोड़ी ना हो कि जो मैं बोलूंगा वही वो करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको तो मालूम होगा कि वो छोड़ देंगे। हाँ, तो यही सब चीजें थी, उसी के वजह से फिर मैं बोला कि देखो भाई आपका डिसीजन है, सोच समझ के लो, करना सब आप ही को है। तो उनका जो डिसीजन था तो आपको अंदर से बुरा लगा कि मेरे से थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते फिर लेते डिसीजन? नहीं, वो डिस्कस तो करते ही थे मेरे से। अच्छा, बट है तो वो मेरे से उम्र में बड़े, मेरे से ज़्यादा दुनिया देखे, मेरे ज़्यादा सब कुछ किए हैं, तो वो जो डिसीजन लिए कर रहे हैं, अब वो प्रेप करेंगे, कोई भी प्रेप करेंगे तो मैं उनके साथ रहूँगा ही, टैन लगाने के लिए मैं भी उनको पहुँच जाऊँगा जहाँ पे खेलेंगे। अभी तो कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, अभी तो कुछ ऐसा बताया नहीं है, बट ये है रूटीन में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। मेरा काम रहता है जितना पॉजिटिव कर सकूं, जितना, क्योंकि पॉजिटिव रह के ही आप सारी चीजें कर पाते हो लाइफ में, आपका ग्रोथ पॉजिटिव होके ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी सीरियस बात हो गई अफरोज भाई के बारे में। अगर अफरोज भाई आप वीडियो देख रहे हो तो फिर सिद्धांत भाई जो है आपको टैन लगाने के लिए जरूर आएंगे बैक स्टेज। इंडस्ट्री के अंदर जो बात चल रही थी, जैसे अली ने जो वीडियो बनाई थी कि जो सत्तू वाले भैया हैं, जो ये ऐसी चीजें जो चलती हैं, जो शेक्स वगैरह बनाओ, इससे इससे बॉडी बनती है, ये करो वो करो, आपको लगता है इससे बॉडी बनती है या फिर प्रॉपर सोर्स लेना चाहिए प्रोटीन का? नहीं, देखिए क्या है ना, जिसका जैसा मतलब जिसके पास जो चीज एक्सपीरियंस रहता है, इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात करता है, तो उनको उस एक्सपीरियंस के और उनका जो भी प्रैक्टिकल चीज़ था उसके वजह से उनको जो चीज़ लगता था जो करते आए वो अपना वो दूसरों को बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने मतलब एजुकेटेड हो, आपको वो चीज़ देखना है कि आपको करना है कि नहीं करना है।
तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे उसमें, तो आपके ऊपर वो है। ये कार्बोहाइड्रेट है आपको, मतलब जैसे आप सप्लीमेंट भी लेने जाते हो ना, तो वे प्रोटीन हो गया, गेनर हो गया, तो आप वो डब्बा पकड़ के आप ये थोड़ी ना बोलोगे इससे बॉडी बनेगी, वो एक छोटा सा हिस्सा है, आपको उसको कहाँ पे फिट करना है वो आपको देखना है। जैसे अभी आपकी कार है, अभी आप बोलोगे एक्सीलेटर मारने से ही कार चलेगी, नहीं, कार चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उसमें तेल भी डालना पड़ेगा, ब्रेक भी दबाना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चार्ज भी करना पड़ेगा, तो हर जगह पे हर चीज का रिक्वायरमेंट है, हर चीज का जरूरत है। अब वो आपको देखना है कि आपको उस चीज की जरूरत है कि नहीं है, और है तो उसको आपको कैसे यूज करना है ना अपने गोद में। ठीक है, ये चालू तो नहीं है ना, सुविधा दे रहा है, चालू। ये तो क्या कर सकते, वो माइक के लिए एक्चुअली इसमें लगाया था, एक्सटर्नल माइक रिकॉर्डिंग विद सिद्धांत भाई एंड मैम। तो मैम आप भी आ जाओ कैमरे पे। हाँ हाँ आ जाएंगे, मैं कैमरा शाही है। कहाँ चला जाए भैया? अभी कैमरा शायद है, पहले सिद्धांत भाई स्टार्टिंग में, पता नहीं कैमरा था ही नहीं, नहीं फोन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अभी कुछ भी बोलने में मुझे मतलब वैसा मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ कि जैसे पब्लिक प्लेस में जाके लेके शूट करना, वो करना, उसमें वो कोई करता रहता है तो बात कर लेता हूँ, बाकी ऐसे पब्लिकली वो सब चीजें करना ना, वो सब कभी कर नहीं पाया। तो भैया आप कभी कैमरा शाइन नहीं हुए, आप तो एकदम कॉन्फिडेंट लगते हो, जब भी आपको ना एकदम देख कर लगता है नेचुरल हो आप कैमरा के आगे ना, कभी ऐसा लगा नहीं? नहीं, वो जब खुद से लेके व्लॉग करता हूँ ना, तो वो क्राउड में या ऐसे जगह पे कुछ ऐसा शूट करके कुछ बोलना, कुछ वो करना, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, इसकी वजह से मैं कभी इतना शूट नहीं कर पाया, बाकी तो ऐसे बात करने में। तो अभी जैसे मैम आ गई हैं, तो उन्हीं के साथ ही कुछ सवाल जवाब करते हैं, करिए। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुलाकात हुई थी, एक लव स्टोरी सुनने को मिलेगी आज मेरी, आई एम अस्यूमिंग आपकी लव मैरिज ही हुई थी, एंगेजमेंट था, तो वहीं पे हम लोग मिले थे। अच्छा, 2011 में, 2011। तो मैम सर तब भी इतने कॉन्फिडेंट थे, अभी थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए? तो काफी चेंज हुए हैं सिद्धांत सर में, काफी चेंज आया, आपने काफी चेंज करा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, तो इनसे पूछता हूँ, इनसे वो करता हूँ, मेरा बहुत सारा चीज है, कभी कभी समझ में नहीं आता, तो सब मैम से पूछता हूँ, मैम बताती हैं। कभी कभी मैं क्या है कि बहुत सारे कैप्शन लिखता हूँ इंग्लिश में, फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सेंटेंस सही नहीं है, तो फिर दे देता हूँ मैम को, फिर पूरा कहाँ पे पंचुएशन डालना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ करके दे देती हूँ। तो मैम सर जैसे प्रेप करवाते हैं और करते भी हैं, तो आपको आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है सर के साथ? सर का मूड खराब होता है प्रेप के दौरान, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, होता है, बट चिड़चिड़ापन आता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो सबको ही होता है। ओके ओके, सर की फेवरेट खाने में क्या सर को पसंद है जो आप बनाते हो? मेरे बनाने का ऐसा कुछ नहीं है, बट खाने में उनको जैसे सादा खाना पसंद है, वो जो क्योंकि जो हमेशा चिकन और वो सब चलता है ना, तो इसके लिए उनको मेनली दाल चावल और प्याज के पराठे, प्याज के पराठे, दाल चावल अचार, बाटी चोखा वगैरह, ये सब बहुत पसंद है, मतलब जो जो रेगुलर उन नहीं मिल पाता है, जो हम लोग खाते रहते हैं। आपने क्या सैक्रिफाइस करा है सर के साथ, जैसे जो सर का करियर है उसमें आपको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? मतलब सब कुछ होता है, कुछ जैसे प्रेप के टाइम पे कुछ चीजें होती हैं, कहीं जाना हो, कहीं तो कोई फेस्टिवल हो या कुछ पड़ गया है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, बाकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और सर वैसे अच्छे मूड में रहते हैं 90% ऑफ द टाइम? ओके ओके, नहीं ये गलत फहमी है, लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर जो है काफी गुस्से में हमेशा रहते हैं। चलो अगला सवाल पूछते हैं, आपको दिल्ली की कोई ऐसी चीज पसंद है मुंबई से जो थोड़ी आपको बेटर लगती हो? अभी मतलब मोस्टली पहले जब आया था तो इतना खाना मैं कह सकता हूँ, मुझे खाना, हाँ, खाना तो है, क्योंकि जो फूड सोर्स है वो सही मिल जाता है मुंबई में, उतना नहीं मिलता है, मतलब क्वालिटी जो है, हाँ, अभी से दूध की बात करोगे, मिलावट होती है वहाँ पे, दूध की बात करोगे तो उतना ज्यादा वहाँ पे वैसा सोर्स नहीं रहता, अभी जैसे यहाँ पे जितना मिल जाता है, जितनी यहाँ पे चीजें अवेलेबल है, अवेलेबल को लेके,
और टेस्ट वाइज भी जो है आपको नॉर्थ इंडियन, ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपका जो बेसिक स्ट्रांग रहेगा, जो फूड सोर्स है वही अच्छा रहेगा, तो फिर फूड का खाने का भी टेस्ट अच्छा रहेगा। तो भाई आपको ना लोग जानते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो और भी आपके क्या शौक है? आपके शौक, चलो आपने शौक बताया। अभी थोड़ा सा न्यू मुझे जागा है कार के बारे में, मुझे कार का उतना पसंद नहीं, मतलब पता नहीं कौन सी कार आप चला रहे हो अभी। तो मेरी तो वो है XUV 700। XUV 700, हाँ बहुत बहुत प्यारी कार है। थैंक यू। कौन से कलर की आपकी? मिडनाइट ब्लैक। माफिया कलर। ओके, नहीं डिसेंट है, अच्छी है। ओके, तो थोड़ा सा कार का शौक वो हो रहा है, तो फिर ये हो रहा है कि और अच्छे से मेहनत करके और पैसे कमाए जाए और अच्छी अच्छी कार खरीदे जाए, थोड़ा सा लग्जरी कार आने वाली है। हाँ थोड़ा सा। चलो कार का मेरे को भी बहुत शौक है, तो अगर कभी अगर आपको हुआ कोई कार आपने सेलेक्ट करनी हो तो फिर बेझिझक आप कभी भी कॉल कर सकते हो भाई। ओके, नहीं मैंने सेलेक्ट करके रखी है। ओके ओके, कौन सी है बता दो। डिफेंडर। अच्छा SUV लेनी है आप? हाँ मुझे बड़ी कार ही पसंद है, थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसी चाहिए कि स्ट्रांग भी रहे और थोड़ा फैमिलियर भी रहे, फैमिलियर और थोड़ा कम दिखने वाली रहे। ओके, प्रीमियम। भाई आपको जर्मन कार्स नहीं पसंद? आपको मतलब कोई आइडिया ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब न्यू अभी बता दो रहा हूं। जैसे मर्सिडीज हो गई, BMW, ऑडी, मुझे उसमें भी जो है ना जो 7-सीटर वाली चाहिए, मुझे बड़ी चाहिए। जी वैगन बड़ी चाहिए। हाँ जी वैगन आप ले लो, मुझे बड़ी कार पसंद है। एक आप देखना स्कोडा की कोडियाक आती है, वो 40-45 लाख तक की आती है, वो भी अच्छी है, बट उसमें कम्फर्ट नहीं है इतना। नहीं तो अभी इसमें जितना कम्फर्ट मिल गया ना ये XUV 700 में, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब एकदम कम्फर्टेबल है। हाँ। फीचर इतना भरा पड़ा है उसमें, मतलब। तो मैम सर जो है गाड़ी खुद चलाते हैं, आपको कहते हैं खुद चलाते हैं? तो ड्राइवर वाला वो है ना। अच्छा, ड्राइविंग ही करती है। मेरे को याद है जब सर से पहली बार मिला था ना मैं, तो सर ने बोला कि आप पैसेंजर सीट पर बैठो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा बैठे कैसे। अभी भी हल्का हल्का वो निकल रहा है, रुक रुक के चला रहे ना, इतना लंबा चल थोड़ी ना रहे, हल्का हल्का वो आने लगा है, पर ठीक है ना, सब समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ओला वालों से भी मांग लेते हैं। थाईलैंड गया था वहां पे भी वो उसको लेके चला रहा था, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, तो मैम सर स्पीड पे तो नहीं गाड़ी चलाते हैं? आराम से क्रूजिंग करते हैं। ओके ओके, वैसे मुंबई में तो काफी वो है, कार एंथुसियास्ट्स हैं काफी, जगह ही नहीं मिलता चलाने का, स्पीड में ट्रैफिक इतना रहता है, एक्सीलेटर लगाओ ये करो वो चलो चलाओ, फिर थोड़ा सा जब इसमें बैठा तो पता चला जितना पैसा लगता है उतनी कार में कम्फर्ट रहता है, उतना चलाने में मजा आता है, उतना सब कुछ हो रहता है। तब फिर ये हुआ कि नहीं अब और बस अच्छा किया जाएगा, देखा जाएगा, बात की बात है अभी तो बात। यहाँ पे जो है सड़कें अभी एक्चुअली नया न्यू गुड़गांव ने तो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पे रोड्स अच्छी हैं, यहाँ पे चलाने में मजा आता है। मैं तो रात को निकाल लेता हूँ कार और ऐसे चला लेता हूँ। भैया देखो ओवर स्पीडिंग कर रहे कब से। अरे सर चलान मत कटवा देना। लिख क्या रहा है बार बार 140, 165 इतने की स्पीड में भगा रहे हैं। नहीं अब ट्रैफिक आ गया सर, अब ऐसे ही रहा फिर सवाल ऐसा पूछ रहा है, पूछो मत। फसाट आजकल मेरा टंग लड़खड़ाने लगा यार। अब ट्रैफिक आ गया सर। हाँ रहता है तो उसकी वजह से हाँ एंग्जाइटी होती है ना उनको, प्रॉब्लम होती है लड़खड़ा भी, बट ये भी वो है ऊपर से नीचे से नीचे से ही यहाँ पे तो। इसका अभिषेक का चला रहा था ना मैं। अच्छा जैगुआर। हाँ रोड पकड़ के उसके बाद जो एकदम पकड़ती है, पकड़ती है। वो तो सर वो तो लिए होते हैं तो 200 आराम से पार करा। हाँ चलो भाई अब बात करते हैं, अब तो बहुत फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर ली, अब थोड़ा ओलंपिया के बारे में बात करते हैं। यस, तो मिस्टर ओलंपिया 2024 अभी हादी आर्नोल्ड दोनों जीते हैं UK और US वाला, क्या लगता है डेविड लंसफोर्ड तो मुसीबत वाली बात है? एज अ कोच अगर आप पूछोगे, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन अगर आप पूछोगे, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जितना आप अपने बॉडी को टाइम देते हो ठीक है,
उतना आपकी बॉडी ग्रो होती है। तो अभी डायरेक्ट और हार्डी सुपर में आप देखोगे शो ख़त्म हुआ, दोनों ऑलरेडी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई है, ठीक है, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस। तो अभी हार्डी क्या है, बैक टू बैक शो खेल रहे हैं। तो जब आप शो खेलते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बॉडी को टॉर्चर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आप रहते हो, बहुत सारे एनाबॉलिक आपको यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी साइड इफेक्ट्स आते हैं, साइड इफेक्ट छोड़ती है, बॉडी आपकी थकती है। उसके बाद जो एनाबॉलिक यूज़ करते हो वो रिसेप्टर पे काम करता है, तो वो रिसेप्टर भी थोड़ा थकता है। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स से आपने सुना होगा कि मेरी बॉडी अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जैसे अभी सैमसन ने ही बताया था कि उसकी बॉडी अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। बट आपको लगता है वो जो जज का डिसीजन था पिछले साल ओलंपिया में, दैट वाज कंट्रोवर्शियल? हाँ, कंट्रोवर्शियल था, अपना गेम ही सब्जेक्टिव है, कंट्रोवर्शियल है। अब उसमें जैसे जजेस ने जो अपना पिक्चर दिखाया कि क्यों डायरेक्ट को दिया, उन्होंने सिंपल सा बताया कि डायरेक्ट को उसके स्ट्रक्चर के बेस पे दिया, जो बॉडी का जो फ्लो है उस फ्लो के ऊपर दिया, ना कि सिर्फ कंडीशनिंग को प्रायोरिटी दिया। yes. तो अगर कंडीशनिंग को प्रायोरिटी देते तो हार्डी था, और स्ट्रक्चर को देते तो डायरेक्ट था। तो इन लोगों ने हार्डी का भी स्ट्रक्चर मुझे कम नहीं था एज कम्पेयर टू जितना आप, हाँ बट मैं इतना कह सकता हूँ कि डायरेक्ट के जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स थे दैट वुड मोर डाइलेटेड, हैमस्ट्रिंग बैक जाता थी उसका, बहुत ज्यादा पीछे से डोमिनेटिंग थे कई सारे पोज में। बट मेरा खुद का मतलब विनर जो था वो हार्डी था, मतलब बट जजेस ने जो क्लियर किया टाइलर मेनिया जैसे शो खत्म होने के बाद अपना जस्टिफिकेशन देते, उनका जस्टिफिकेशन तो किसी को भाया नहीं, तो वो उन्होंने जो बताया तो वो चीज मैं बता रहा हूँ, उस बेस पे उन्होंने किया। तो अभी इस साल अभी क्या होगा कि वो अगर डायरेक्ट और इम्प्रूव करके आता है, अगर उसका लैट और वाइड होगा, उसके कॉर्ड्स और बड़े होंगे, तो उसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा सुपीरियर दिखेगा एज कम्पेयर टू हार्डी, और ज़्यादा न्यू मसल मास जो है बॉडी में एड ऑन होगा, और ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा, और ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और ज़्यादा मसल मैच्योर दिखेगा फ्रंट से भी। बैक से डायरेक्ट का मसल बहुत मैच्योर है बट फ्रंट से उतना नहीं है, हार्डी का बहुत ज़्यादा फ्रंट से भी मैच्योर है और बैक से उतना नहीं है, तो दोनों में थोड़ा सा इधर 19-20 का पड़ता है। तो और बेटर हो के आने का चांसेस जो है डायरेक्ट के पास है प्रैक्टिकली अगर देखेंगे। बट हार्डी भी अच्छा मोमेंटम लेके जा रहे हैं। हाँ, वो तो सैमसन दौदा के बारे में बताओ, अगर वो बंदा कंडीशनड आ जाता है, इफ ही कम्स बोन डाय कंडीशनड, तो वो क्या डेरेक और हार्डी को हरा सकते हैं? डेरेक से अगर इनका कंपेयर करेंगे तो वही बैक और ग्लूट्स में, हैम्स में सैमसन थोड़ा सा ऊपर नीचे पड़ते हैं, अदरवाइज फ्रंट से तो उसका भी स्ट्रक्चर जो है, जो फ्लो है वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। बट उतना कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे डेरेक हो गया, हार्डी छोपन हो गए, इन दोनों का जो स्किन है वो एकदम अलग दिखता है। सैमसन का देखोगे तो स्किन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा वाटर का लेयर बोल लो या थिक बोल लो, कुछ वैसा रहता है जो मसल पॉप ढोके, जैसे मसल फाइबर जो आप बोल रहे हो ना, वो सेपरेशन नहीं, हाँ वो नहीं दिखता। तो वो स्किन में, अब जैसे लोग बोलते हैं कि मिलोस अंकल इंसुलिन के फैन है, उनका नाम ही इंसुलिन है, तो मे बी इंसुलिन की वजह से ग्रोथ तो मिल रहा है, मसल मास बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हो सकता है उसकी वजह से स्किन क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, सबक्यूटेंस वाटर रहता है, क्या रहता है वो, उसकी वजह से उतना वो, अगर वो जिस तरीके से हार्डी चौपन मतलब वो रिप्ड रहते हैं और एकदम कंडीशन रहते हैं, पॉप्ड आउट रहते हैं, वैसा अगर सैमसन रहेंगे तो फिर जो है वो तो बहुत अलग गेम हो जाएगा, तब वो जीत जाएंगे। तो अगर सिद्धांत भाई अगर सैमसन दौदा के कोच होते हाँ, तो उनको वो रिप्ड कैसे लेकर आते हैं? अरे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बट तो गाइस फिर से स्वागत है आपका। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाद में गए सिद्धांत भाई और मैं गो कार्टिंग करने के लिए, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करा, वहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम था मैंने गो कार्टिंग करी, तो उसकी क्लिप्स भी जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेजेबल चीज़ इस वीडियो से आपको मिली हो, कुछ वैल्यू मिली हो, और यही मेरा गोल हमेशा से रहता है। तो न्यूज़ वीडियो के साथ साथ नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आप लोगों को दिखाना। दोस्तों कैसा लगा ये वाला एपिसोड आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और साथ ही में ये मेरा एक नया अप्रोच है, एक नया एफर्ट है कि मैं कुछ नया कंटेंट लेकर आना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए, कार में बातचीत करना बॉडी बिल्डर्स से, जो कि मुझे नहीं लगता कि पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा, पहले मैंने कोई देखा नहीं ऐसा जो बातचीत हो रही हो चलती हुई कार में बात करना।
तो बस यही था दोस्तों, आप लोग आगे की क्लिप इंजॉय कर सकते हो और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा अपनी तरफ से। मिलता हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। तो गाइस फर्स्ट टाइम है यहाँ पे सिड भाई और मेरा गो कार्टिंग करने का, तो सर क्या लगता है? एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेते हैं, पहले एक्सपीरियंस ले लूँ। अभी तो मुझे पता ही नहीं ना कैसे चलाते कैसे क्या करते, अभी से कमिटमेंट कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आगे वीडियो देखने से पहले जो है कमेंट करके बताओ कौन ये वाली रेस जीतेगा और क्या लगता है सर कौन जीतेगा रेस? एक्चुअली इसको गाड़ी पे डिपेंड करता है, अगर अच्छी वाली मिल गई तो वो भागती है। ओके, तो अच्छी वाली देंगे ना? नहीं, कभी कभी होता है कि थोड़ी सी, जैसे मेरे और इत्ती में गई था, इत्ती वाली इतनी तेज भाग रही थी, हमें पूरा पेडल दबा दिया था, फिर भी वो उसके आगे नहीं निकल पा रही थी। तो गाइस डिपेंड करता है किसको कैसी गाड़ी मिलती है, लक पे डिपेंड करता है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा करेंगे और बाकी भाई देखते हैं कितनी खींचते हैं गाड़ी को। चलो ओके, ठीक है, चलो। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? 6 मिनट का है। अरे अभी कहाँ एक्सपीरियंस लिया, अभी तो लेने जा रहे हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, सबका फटता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस नर्वसनेस नहीं यार, इसमें क्या नर्वसनेस। तो भाई सिद्धांत भाई जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो जो है जीतने वाले रेस, बट हम भी पूरी टक्कर देने वाले हैं। चलाए हो पहले का तुम गुरु, मुझे पता है। नहीं हम नहीं चलाए, इतना उछलता है। नहीं हम नहीं कभी चलाए, मैं तो अभी बोल रहा हूँ पहले उसका पकड़ो देखो कैसे क्या है क्या नहीं है। नहीं कभी नहीं चलाया, अभी फर्स्ट टाइम होने वाला, तो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चल नो ब्रेक, नो ब्रेक, साथ दबा देंगे तो फ्री में पकड़ेगा। तो भाई सही में यार एक्सेलरेटर इज ऑन योर राइट, द ब्रेक इज ऑन द लेफ्ट, एंड अगेन इफ द स्पीड कट ऑफ इज एंगेज्ड रिलीज बोथ द फीट एंड जस्ट प्रेस ऑन द एक्सेलरेटर। व्हेन योर सेशन विल स्टार्ट यू विल लीव फ्रॉम हियर एंड टेक अ यू टर्न, प्लीज डोंट गो स्ट्रेट, दैट्स द रॉन्ग वे, एरोज आर मार्क्ड ऑन द ट्रैक टू बी फॉलोड एज इट इज, देयर इज नो एग्जिट। तो गाइस यहां पर हम लोग आ चुके हैं गो कार्टिंग करने के लिए, बैठ चुके हैं अपनी सीट पर, आगे जो है सिड भैया बैठे हुए हैं। सिद्धांत भैया कैसे हो? ऑल वेल। और पीछे जो है मैम बैठी हुई है, तो देखते हैं भाई क्या होता है। कि अगर मैं दही पीछे आया होता तो उसका अंदर लस्सी बन जाता, लस्सी बन जाता। या तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं जीत गया। ओह माय गॉड, ओके। और भाई ने जो है बॉल अच्छी टक्कर दी है भाई ने, और मैम नहीं, मैं टक्कर ना दूं इसके लिए आराम से चला रहा था। चलो टक्कर दे के आगे बढ़ गए। रीमैच सून, सीन साइकिल 1:05, सिद्धांत 1:11 एंड तानिया 2:01। तो भाई अब हम लोग एंडिंग करने वाले हैं इस कार की बातचीत की, और अभी जो है गो कार्टिंग भी हम लोगों ने करी थी। बहुत आज फन किया सिद्धांत भाई के साथ, बहुत मजा आया। और बेस्ट विशेस आपको। अरे सर बहुत अच्छा लगा मम्मी से मिलके आपके, और मम्मी जी से भी मिलके, और डैडी से मिलके, बहुत यार वेरी नाइस। इट वाज माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू। बाय, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया।